गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे थे मल्टीपल एलील्स, जिसमें खास करके हम जान रहे थे कि संतानों में, मनुष्य में ब्लड ग्रुप का वंशगत कैसे होता है। तो मल्टीपल एलील्स में हमने पढ़ा, उसमें मनुष्य में कैसे वंशगत ब्लड ग्रुप होते हैं मैंने पूरा पढ़ाया था। उसमें एक एग्जाम्पल ही बताया था। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जिसमें जानेंगे, जिसे मैंने कहा था ना पहले, अगर कोई ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उसमें ओ हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर क्रूतियाँ, सामाजिक जो मैंने कहा बुराइयाँ आती है, वो चीज़ें देखने को कैसे मिलेगा, वो चीज़ आपको यहाँ क्लियरिटी हो जाएगी। तो शायद इसके बाद अगर ऐसा केस स्टडी कहीं भी आता है तो उसको आप प्लीज क्लेरिफाई कीजिए, नहीं ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से उसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमने बताया था क्या होता है, फिनोटाइप कितने होते हैं ब्लड ग्रुप के, ब्लड ग्रुप लिख देते हैं, ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप कौन कौन होता है, ए बी बी ए बी और आपका ओ, ये चार ब्लड ग्रुप। इस चार ब्लड ग्रुप का ये क्या होगा, फिनोटाइप करेक्ट है, क्या है ये फिनोटाइप, हम जानते हैं लक्षण पर जो दिखाई देता है, जो करेक्टर दिखाई देते हैं उसी क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। यानी वायरस से दिखाई देने वाले लक्षण फिनोटाइप। तो फिनोटाइप मतलब आपके ये ब्लड ग्रुप चार होते हैं, टेस्ट करने का पता चल जाता है, लेकिन उसके जीन क्या कौन कौन पाए जाएंगे तो आपका इंटरनल प्रोसेस है, तो उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। तो जीनोटाइप आपका क्या हो जाएगा यहां पर, जीनोटाइप नेक्स्ट वीडियो में बताया गया, फिर भी लिख देते हैं आपको, इसका आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंटीजन जीन ए, जीन ए होता है या करके लिखेंगे, और जीन ए और जीन ओ, इसका आपका हो जाएगा ए बी, जीन्स बी और जीन्स बी जीन्स ओ, इसका बताया था हमने ए और दोनों जीन्स होंगी, इसमें जीन्स ओ, इसमें जीन्स ओ, यानी इसमें एंटीजन का संश्लेषण नहीं होता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे मेल क्या हो, मेल ए एंड फीमेल, फीमेल क्या होगा, फीमेल बी हो। अब बताइए मेल ए है, फीमेल बी है, तो उसकी संतान में कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं, यानी उसके संतान जो उत्पन्न होंगे वह संतान में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, एक अनुमानित नहीं जानते हैं तो हम कह सकते हैं पिताजी ए है, मम्मी उसकी बी है, तो उसका सन जो होगा या डॉटर जो होगा, जो भी आपका बेबी होगा, बेबी आपके छोटे बच्चों कहते हैं, नवजात शिशु बेबी कहते हैं, तो जो भी बेबी होगा क्या हो जाएगा, हम एक अनुमानित कहेंगे ए हो सकता है, बी हो सकता है या तो ए बी हो सकता है। सिंपल आदमी, कोई भी आदमी किसी से पूछिएगा ए ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप है, उसके बच्चे में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो कहेगा ए हो सकता है, बी हो सकता है या तो ए बी हो सकता है। उसके दिमाग में ओ आएगा कि नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, जो नहीं जानता वो सीधा कहेगा ओ वाला नहीं हो सकता है, शायद ना भी होता हो, शायद होता भी हो। तो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम यहां पर क्लियरिटी करके बताएंगे, ये आपका हो सकते हैं संभावना, हमने बगैर जाने बगैर पहचाने ये व्यक्त किया, यानी आप क्या होता है संभावना व्यक्त किया, हम नहीं जानते हैं, एक नॉर्मल आदमी ये बताएगा ए होगा बी होगा या ए बी होगा, लेकिन जो जानता है वो कैसे बताएगा, पूरा क्रॉस मेंटल के नियम के अनुसार क्रॉसिंग प्रक्रिया अपनाएगा, क्रॉसिंग प्रक्रिया अपनाने के बाद तब निकालने के बाद बताएगा ये होगा ये होगा ये होगा। तो आप देखिए हम जानते हैं इसमें जीनोटाइप कौन कौन से होते हैं, इसका जीनोटाइप हो सकता है जीन ए या जीन ए और जीन ओ, राइट, इसका जीनोटाइप क्या होगा बी एंड बी, आर करके लिखेंगे जीन बी जीन ओ, राइट, ये इसका जीनोटाइप। अब देखिए हो सकता है जो मेल ए है उसके जीन ये भी हो सकते हैं या तो ये भी हो सकता है,
या तो उसके चिन्ह बी वाला जो है ये हो सकता है या ये हो सकता है, संभावना है ना जी, कुछ भी हो सकते हैं, यानी किसी के बॉडी में कोई भी जीन्स हो सकते हैं जो ए को या तो बी को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम एक एक का क्रॉस करके देखेंगे, यानी पहला क्रॉस इससे कराएंगे, यानी चार संभावना बनेगी, कितने संभावना है, चार संभावना। फर्स्ट संभावना बनेगा इसका इससे क्रॉस, यानी इसका क्रॉस इससे बनेगा, पहला फर्स्ट संभावना, फिर इसका क्रॉस इससे बनेगा, सेकंड संभावना, यहां पर इसका क्रॉस इससे बनेगा, इसका क्रॉस इससे बनेगा, तो चार संभावनाएं हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार संभावनाएं बन सकती है। अब चारों संभावनाओं को हम एक एक क्लैरिटी करके देखेंगे क्रॉस करा करके। अगर मान लीजिए फर्स्ट संभावना लिखेंगे यहां पर, फर्स्ट आपकी संभावना फर्स्ट संभावना में क्या रहेगा, ये बॉक्स बनाइए आप, इसका लिखिए ए, ए उसका क्रॉस किसे कराएंगे, यानी आपका यहां पर हम फीमेल लिखेंगे, ये मेल रहेगा, नीचे पर फीमेल रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एंटीजन बी, सॉरी जीन बी, जीन बी राइट, क्रॉस करेंगे क्या बनेगा, ए बी राइट, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर देखिए क्या जाएगा, ए यहां क्या आएगा, बी यहां क्या आएगा, मेंडल का नियम को जो क्रॉस करने कराने की प्रक्रिया बताए हैं उसी से, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आएगा, हो गया। चार संतान आ रहा है, चार संतान कौन सा, इसमें जीन ये भी पाया जा रहा है, ए भी इसमें भी है, ए भी इसमें, इसमें भी ए भी है, यानी जितने भी संतान होंगे अगर इस ब्लड ग्रुप वाले के अंदर ये जीन और इस ब्लड ग्रुप के अंदर ये जीन पाया जा रहा है, तो उसके जितने भी संतान उत्पन्न होंगे सब क्या हो जाएंगे, टोटल संतान 100% क्या आएगा, ए बी वाला, कौन सा, यानी ए बी वाला होगा, कौन सा होगा, ए बी वाला, यानी जो बेबी होगी वह बेबी 100% कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप होगा ना जी, यानी इसके बॉडी में ए भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा ना वो आएगा, दोनों कंडीशन, अगर ये जीन पाएगा तो फर्स्ट संभावना। सेकंड संभावना बात करेंगे, तो सेकंड संभावना क्या होगा, अगर इसके बॉडी में ये जीन, ध्यान लिखेंगे एंटीजन ए और एंटीजन ए का क्रॉस किससे, इससे जीन बी और जीन ओ से क्रॉस कराएंगे, सेकंड संभावना, तो जब क्रॉस कराएंगे क्या बनेगा, बॉक्स बनाइए, तो यहां क्या लिखेंगे, मेल का जीन, यहां क्या लिखेंगे, फीमेल का, बी जीन ओ जीन राइट। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, ए जीन और बी जीन, यहां क्या आएगा, ए जीन, यहां क्या आएगा, बी जीन, यहां ये ए को पहले लिखेंगे, ए जीन ओ जीन्स स्पेस में ए जीन और ओ जीन्स राइट। अब बताइए इसके संतान कौन कौन से हो रहे हैं, ए भी यहां है, ए भी यहां, ए यहां, ए यहां, यानी यहां पर अगर ये जीन और ये जीन पाया जा रहा है इस कंडीशन में, इसके 50% जो संतान होगा ए बी होगा राइट, और 50% क्या हो जाएगा, यानी 50% नेक्स्ट वाला वो क्या हो जाएगा, ए वाला होगा, किसका वाला, ए वाला, नहीं क्योंकि ये इस पे डोमिनेंस रहेगा, ये डोमिनेंस रहेगा, यानी 50% ए बी वाला भी पैदा हो सकता है और 50% ए वाला भी पैदा हो सकता है। अगर इसके बॉडी में ये जीन पाएगा तो ये दोनों आ जाएंगे, वो नहीं आएगा यहां पर, यहां पर क्या होगा, वो नहीं आएगा और यहां पर आपका बी भी नहीं आएगा। ये इंटरनल प्रोसेस है जिसको आपको हमें नहीं पता, लेकिन सिर्फ ब्लड ग्रुप जानते हैं कौन सा, अगर ए बी है तो कौन कौन से हो सकते हैं, ये आ सकता है, ये आ सकता है, आप संभावना दोनों व्यक्त कर सकते हैं राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा चलते हैं हम, ये तो इसको मिटा दे रहे हैं राइट, देखिए थर्ड संभावना, तीसरा
थर्ड संभावना, थर्ड संभावना क्या रहेगा, ये तो हो गया इसका दोनों क्रॉस, पहला भी हो गया दूसरा भी, तीसरा संभावना क्या बनेगा अगर हम क्रॉस कराएंगे जीन ए ओ का क्रॉस किससे, आपका जीन बी और बी से, राइट ये संभावना, तो क्या बनेगा बॉक्स बनाएंगे हम, बॉक्स बनाएंगे ये मेल का एंटीजन ए, एंटीजन ओ जीन ए जीन बी, जीन बी राइट। अब यहां कराएंगे क्या होगा, ए और बी आएगा, बोलिए आप भी, यहां कराएंगे क्या होगा, बी पहले लिखेंगे ओ को बाद में लिखते हैं, बताएगा यहां पर ए और बी दोनों, तो ए को पहले लिखिए आप, ए बी लिखिए, यहां पर कराएंगे क्या होगा, बी लिखिए यहां और वो यहां लिखिए। अब बताइए इसमें कौन से संतान है, चार संतान है, ए बी वाला है, बी वाला है, ए बी वाला है, बी वाला, यानी यहां पर देखा गया 50% ए और बी वाले हैं एंड 50% क्या यार बी वाला है, यानी यहां पर देखिए सेम है कंडीशन क्रॉस, 50% ए भी आया 50% आया, यहाँ क्या 50% ए भी आया 50% बी आया, यानी जीन बदल गए तो उसके ब्लड ग्रुप थोड़ा सा बदल सकते हैं, ये भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ स्टेप, चौथा फोर्थ संभावना क्या है, चौथा संभावना, चौथा संभावना क्रॉस किससे कराएंगे, चौथा क्रॉस 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 कराएंगे जीन ए एंड जीन ओ का क्रॉस किससे होगा, उसके वर्स वाले से, जीन बी एंड जीन ओ से क्रॉस कराएंगे। तो इसमें क्या बनेगा, बॉक्स बनाइए, वीडियो में देख लीजिएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा अगर वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिक्स्ड आपका वीडियो बना देंगे। इसका जीन यहां लिखिएगा ए, यहां पर जीरो, यहां पर लिखेंगे बी जीन, यहां पर जीरो, दोनों कंबाइंड कराइए, ए है यहां बी है, यहां पर क्या आएगा बी आएगा, यहां पर क्या होगा वो आएगा, यहां पर देखिए ए जीन आ रहा है ओ जीन आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है जीन ओ, जीन ओ। अब देखिए यहां पर पूरी की पूरी कहानी है, अगर बॉडी में मेल में ये जीन फीमेल में ये जीन पाया गया तो उसके संतान कौन बन सकते हैं, ए बी वाला हो सकता है, बी वाला हो सकता है, ए वाला हो सकता है और ओ वाला भी हो सकता है। यानी इस कंडीशन में अगर ये ए वाले यानी ब्लड ग्रुप ए में और बी में दोनों के बॉडी में ऐसा जीन पाया गया, ऐसा जीन पाया जाएगा तो संतान क्या लेंगे 25% संतान, यानी जो बेबी आएगा वह संतान 25% कैसा होगा ए बी वाला, फिर 25% संतान ए वाला, फिर 25% संतान बी वाले, राइट। और यहां पर बता रहा 25% संतान ओ वाला भी हो सकता है, ओ वाला भी हो सकता है, राइट। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, आपके जितने संतान होंगे ए बी वाला भी आ रहा है, ए वाला भी आ रहा है, बी वाला आ रहा है, ओ वाला, यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और बी है तो उसके पुत्र में उसके बच्चों में ओ वाला संतान पैदा हो सकता है। ये इससे क्लियरिफाई हो रहा है कि अगर किसी माँ बाप के ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उसका संतान ओ आ गया, ये दैट इज द क्लियर आ सकता है। अगर लोग नहीं जानेंगे तो कहेंगे कैसे हुआ, ये ही होता है सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां। अगर हम जानेंगे हम कह सकते हैं नहीं, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उसका संतान ओ पैदा हुआ है तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी को आपको क्या होता है चार संभावनाओं द्वारा हम व्यक्त करते हैं, और भी एग्जाम्पल इसके ढेर सारे हैं जो आप बुक से पढ़िएगा समझिएगा। तो चार एग्जाम्पल से अब क्लियर हो रहा है कि उसके बॉडी में कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाए जा रहे हैं और कौन कौन से संभावना हो सकती है और कौन कौन सा नहीं हो सकती। तो जैसे हमने बताया ए बी का ओ वाला भी संतान हो सकता है, तो क्लियर। आप यहाँ पूरा पूरा ये चैप्टर खत्म है, नॉन एलेलिक में आप एक पॉइंट और पढ़ाएंगे जिसमें आपके त्वचा का रंग का वंशगत कैसा होता है, बाकी पूरा पूरा आनुवंशिकता का चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर माना जाएगा पूरे बुक का, वो आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो जो भी नया है कमेंट बॉक्स में डालिए, तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।